यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसके बेनिफिट्स डेफिनेटली 2 महीने के अंदर अंदर वाजह तौर पे नजर आ गए थे। तो जब ये खत्म हो गई मैंने दूसरी ऑर्डर कर ली। हेलो देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अलीना उमर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है। हमारी बॉडी के लिए तो है ही, लेकिन हमारी स्किन के लिए ये क्या क्या फायदा करता है, क्या क्या फायदे देता है, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बताऊंगी। फ्रेकल्स, डार्क स्पॉट्स, ये और अर्ली एजिंग साइंस जो होते हैं आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। क्यों? सबसे पहली वजह यह है कि हमें सन ब्लॉक लगाते हुए मौत पड़ती है। हम लोग डेली रूटीन में रात के वक्त फॉर्मूला क्रीम तो लगा सकते हैं इस लालच में कि हमारा कलर फेयर हो जाएगा, हमारी कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाएगी, लेकिन हम सन ब्लॉक नहीं लगाते। अगर हम ये सोच लें कि सन ब्लॉक हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमें सन की यूवी रेज और यूवी बी रेजेस से किस तरह से प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को, तो हम कभी भी सन ब्लॉक को स्किप ना करें। सन ब्लॉक लगाना मस्ट है, प्लीज़ सन ब्लॉक लगाया करें। सन ब्लॉक ना लगाने से ही फ्रेकल्स का ज़्यादा इशू होता है। तो आज है विटामिन सी डे और आज हम करेंगे विटामिन सी पे बात। मैं इन 2 प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 6 to 7 months हो चुके हैं इन 2 प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए। इनका फायदा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, पहले आप प्रोडक्ट्स देखिए। ये टाइमलेस स्किन केयर का, सबसे पहले है ये टाइमलेस स्किन केयर का ऑरेंज स्प्रे, ठीक है, जो HAC है और स्प्रे बॉटल में है और इसकी है 120 ml पैकेजिंग, प्लास्टिक बॉटल में, ऑरेंज कलर का है स्प्रे, बहुत अच्छा काम करता है सी, ठीक है। और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी लाइक ऑरेंजेस की स्मेल है, सिट्रस सी स्मेल, और इसके अंदर ना थोड़ी सी फ्रेग्रेंस आती है लाइक किसी आप कह लें जैसे वो होता है ना मोतिये का फूल, मोतिये के फूल की भी इसके अंदर थोड़ी सी फ्रेग्रेंस आती है। इस ऑरेंज स्प्रे के बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ, यूज़ बता देती हूँ। यूज़ इसका ये है कि सुबह जब आप लोग फेस वॉश करते हैं तो ड्राई करने के बाद इसको एज अ टोनर आपने अपने फेस पे स्प्रे करना है, और रात को भी फेस वॉश करके ड्राई करके इसको एज अ टोनर अपने फेस पे स्प्रे करना है। उसके बाद आप कुछ भी अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। इसको स्प्रे करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट यह है कि ये एज अ टोनर यूज़ होती है और आपकी स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं उनको श्रिंक कर देती है, और इसके अलावा इसके अंदर जो ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है वो आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, लाइटन अप करेगा, अनइवन टोन को इवन टोन करेगा, और इसके अलावा जो आपके फ्रेकल्स का इशू है उसको भी ये कम करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये है सेकेंड आइटम विटामिन सी का, ये भी टाइमलेस स्किन केयर का है, और इसका क्या है, इसके अंदर 20% जो है वो विटामिन सी है, फ्यूलिक एसिड है और विटामिन ई है, ठीक है। और ये एक सीरम टाइप है, ठीक है, ये आप लोगों को एज अ सीरम यूज़ करना है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर बिल्कुल इस तरह से है, और इस स्मेल बहुत सिट्रसी है, इसके अंदर कोई भी उन्होंने चीज़ ऐड नहीं की हुई, थोड़ा सा ऑयली टाइप है बट नॉट मच, ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बात करते हैं फ्यूलिक एसिड के यूज़ और बेनिफिट्स की। इसका यूज़ सिंपल सा है कि आपने इसको सिर्फ नाइट टाइम यूज़ करना है, जब आप फेस वॉश करके इस स्प्रे को कर लेंगे अपने फेस पर तो इसको ड्राई होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने ऊपर ही अप्लाई कर लेना है। थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी हाथ में लेके आपके पूरे फेस पर इवनली अप्लाई हो जाए, इतनी क्वांटिटी आपने लेनी है, फिर उसको अपने फेस से पूरे पे इवनली आपने मल लेना है, ज़्यादा जोर से नहीं मलना, बस डैब डैब कर लेना है। उसके बाद आपको किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी वाइटनिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो फ्यूलिक एसिड है ये काम करेगा आपकी स्किन को ब्राइट करने में, यानी आपका रंग वाइट करने में, ब्राइट करने में, गोरा चिट्टा करने में। इसके अलावा आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, फ्रैकल्स तो डेफिनेटली इससे रिमूव होंगे, क्योंकि विटामिन सी का सबसे मेन मकसद ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर से फ्रैकल्स वगैरह को रिमूव करे, और अगर इवन आउट स्किन है, पैची स्किन है, कहीं से वाइट, कहीं से ब्लैक, कहीं से डार्क, कहीं से लाइट, तो उसको भी ये इवन कर देगा, ठीक है। सो ये मेरी दूसरी बॉटल्स हैं दोनों की, मैं इसको 6 months से ज़्यादा देर हो गई है यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसके बेनिफिट्स डेफिनेटली 2 महीने के अंदर अंदर वाजह तौर पे नज़र आ गए थे। तो जब ये ख़त्म हो गई मैंने दूसरी ऑर्डर कर ली। ये तो जी अब है टाइम इन प्रोडक्ट्स की प्राइस का और आप कहाँ से बाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, और ना ही इस पेज ने मुझे कहा कि मैं रिव्यू दूं या इनकी कोई प्रमोशन करूं। सो मैंने ये प्रोडक्ट्स खुद बाय किए हैं, मैंने इन प्रोडक्ट्स को खुद एक्सपीरियंस किया है, मुझे अच्छे लगे हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। मुझे फर्स्ट टाइम इन दोनों प्रोडक्ट्स का पिया आया था, उन दिनों मैं किचन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी और डेफिनेटली मुझे भी मौत पड़ती है सन ब्लॉक लगाते हुए कभी कभी, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मेरे इस साइड पर फ्रेकल्स आ रहे हैं। मैंने बस इन दोनों चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लिया, मुझे फ़र्क पड़ा तो मैंने दोबारा से ये बाय कर लिए। तो इस
स्प्रे की प्राइस है टाइमलेस स्किन केयर का, ये जो विटामिन सी स्प्रे है ये 3,700 रुपये का, और ये जो फ्रियोलिक एसिड है ये है 3,750 रुपये का, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट आप लोगों को 7-7,500 के पड़ जाएंगे, बट बहुत अच्छे हैं फ्रेकल्स के लिए। अब बात आती है कौन से एज के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप 25 के हैं तो आप लोग इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, 25 के बाद किसी भी एज में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। हाँ, लेकिन अगर आप डर्मा रोलिंग कर रहे हैं तो आप विटामिन सी का कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उससे आप लोगों को इरिटेशन हो सकती है। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।